मिलादुन नबी का 17वां अजीम शान जलसा बतारीख 10 सितंबर 2024 बरोज़े मंगल बाद नमाज़े ईशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस जामियतुल मुफ्लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स टुवर्ड्स सक्सेस इन दुनिया एंड आखिरा एडमिशंस ओपन। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 29 अगस्त की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। मक्का मुकरमा और मदीने मुनव्वरा में भी गुज़िश्ता रोज़ हुई मौसलाधार बारिश मक्का रीजन में सड़कें आ गई ज़रिया। इसी दरमियान मस्जिद अल हरम में नमाज मगरिब बारिश के दौरान ज़ायरीन ने की अदा बारान रहमत के रूह पर बर मनासिर। गज़ा की सूरत हाल पर रूस और ईरान का अलग अलग रद्द अमल। रूसी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा इसराइली फौज गज़ा के लोगों को आम शहरी नहीं समझती और 3 साल से ज्यादा उम्र के हर बच्चे को दहशतगर्द करती है तसव्वुर। ईरानी सदर ने कहा गज़ा जारहत से हर कोई मुतासर लेकिन इंसानी हकूक के अलमबरदार सहयोगियों के हिमायती। सऊदी अरब पहुंचे फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। मुलाकात में गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर किया गया तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है खड़ा, जंग को रुकवाने दुनियाई मुल्कों से रबते जारी। बंगाल हुकूमत इस्मत रेजी के लिए सजाए मौत के इंतज़ाम वाला पास करेगी बिल। ट्रिब्यूनल कांग्रेस के तलबा विंग के 27वें यौम तासीस से खिताब के दौरान बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। खबरदार किया गवर्नर ने अगर बिल को मंजूर नहीं किया तो वो राजभवन के बाहर देंगी धरना। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मुसलसल बीजेपी के निशाने पर। अब सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने ममता का नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से किया मुआवजना। कहा अब तक पूरी दुनिया में एक ही डिक्टेटर था किम जोंग उन, लेकिन अब ममता बनर्जी दूसरी तानाशाह। यूपी की योगी हुकूमत ने नए सोशल मीडिया पॉलिसी करवाए मुतारिफ। अब काबिल एतराज़ या मुल्क मुखालिफ पोस्ट करने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की हो सकती है सज़ा। इसके साथ ही डिजिटल एजेंसियों और फिल्मों के लिए सोशल मीडिया पर इश्तहारात का भी किया गया इंतज़ाम। चीफ मिनिस्टर की झूठी तारीफ पर 8 लाख रुपए और मुखालिफत करने पर जाना पड़ेगा जेल। यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार को बनाया निशाना। कहा अगर आप कानूनी तौर पर बाबा या उनकी पार्टी की मुखालफत करते हैं तो भी आप मुल्क दुश्मन और भेज दिए जाएंगे जेल। अब टैक्स के पैसे से आईटी सेल वालों का चलेगा घर। अपनी प्राइवेट वीडियो लीक करने पर ललिता नामी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का कर दिया कत्ल, नाश के कर दिए टुकड़े टुकड़े। बिहार के मुजफ्फरपुर में पेश आई कत्ल की ये हौलनाक वारदात। लड़की ने अफराद खानदान की मदद से कत्ल कर लाश के टुकड़े थैले में डालकर फेंक दिए। लाश को ठिकाने लगाने की CCTV वायरल। गैर मजाज कब्जों पर तामीर को लेकर शहर में हैड्रा की कार्रवाई के दरमियान साबिक मिनिस्टर केटी रामाराव के फार्म हाउस का आज 6 अहदेदारों पर मुश्तमिल महकमे आबपाशी और महकमे माल की टीम ने किया दोबारा मुआयना। फार्म हाउस को करार दिया फिरंगी नाले पर तामीर शुदा फार्म हाउस। फिरंगी नाले पर 67 फीट तक कब्जा कर फार्म हाउस की तामीर का इंकशाफ। हैदराबाद में जारी हैड्रा की कार्रवाई के दरमियान हैड्रा के कमिश्नर वी रंगनाथ ने हल्का असम्बली मुशीराबाद का किया दौरा। मुकामी अवाम की शिकायतों का लिया जायज़ा। लोगों ने अपनी शिकायतों में तजावीज़ात का लगाया इल्ज़ाम। रामनगर चौराहे पर मानीमाल गली में नहर पर कब्जेजात किए जाने की शिकायत। ये थी टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलादुन नबी का 17वां अजीम शान जलसा मरहूम अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब की जानिब से जो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में रहते हैं बतारीख 10 सितंबर 2024 बरोज़े मंगल बाद नमाज़े ईशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वक़ार पाशा साहब। बैरूनी मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब खिबला निगरानी सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी कुरान अंदाजी के जरिए हर जुमेरात
सख्त पाबंदी के साथ आने वाले महफिल दुरूद सलाम 313 में जो हाजिर होते हैं उनमें से खुश नसीब को कन्वीनर जलसा उमरा भेजने की सआदत हासिल करेंगे। इस बाबरकत महफिल में अपने दोस्तों अहबाब के साथ तशरीफ लाएं बामुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। बानी जलसा अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब, कन्वीनर जलसा अलहाज मोहम्मद पाशा कुरैशी साहब। Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kuttapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day-cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat. Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last minute rush as the seats are limited.